नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सहारनपुर में प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री तहसील बेहट के, आपको बता दें कि सांढोली कदीम में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और उपचार शिविर और साथ ही हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा है कि योगी मोदी की सरकार ने गरीबों की सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर इलाज के लिए हेल्थ एटीएम लगाए गए। उन्होंने कहा है कि अब लोगों के दूर दराज शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। योगी सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक गंभीर बताई जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक नरेश सैनी ने कहा है कि प्रदेश की जनता के विकास के लिए योगी सरकार हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य कर रही है। इसी के तहत आज घाघ क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए हेल्थ एटीएम को स्थापित किया गया है। जाना भी इसी कड़ी में शामिल है। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक महावीर राणा ने कहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध कराई जा रही जन लाभकारी योजना के लिए प्रदेश सरकार का आभार प्रकट किया है। चले आगे बढ़ते हैं। यूपी के गोंडा जिले में बता दें कि 1993 में हुए पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह के ऊपर जानलेवा हमला मामले में आज कोर्ट ने सांसद सहित चारों आरोपी को क्लीन चिट दे दिए हैं। वहीं बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शाह, आपको बता दें कि शरण सिंह सहित तीन आरोपियों के ऊपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सिविल कोर्ट जितेंद्र कुमार गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। प्राप्त साक्ष्य और बयान न होने के आधार पर यह सुनाया गया है फैसला। साथ ही बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, देवदत्त सिंह, दीप नारायण यादव, ज्ञान सिंह को 29 साल बाद न्याय मिला है। देवदत्त सिंह के पहले ही मौत हो चुकी है। वही फैसले में आने के बाद से मीडिया से बात करते हुए सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि 29 साल बाद मुझे न्याय मिला है, आज हम दोषमुक्त हुए हैं और साथ ही मुझे न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है। अलर्ट पर है और वही डीजीपी के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आज गाजीपुर पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। शादियाबाद थाना पुलिस और साथ ही स्वाट टीम ने यह बरामदगी की है। साथ ही शादियाबाद थाना क्षेत्र पुलिस और स्वाट टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग गुरैनी पुलिया के पास अवैध शराब की सप्लाई कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और साथ ही दो बाइक साथ ही चार लोगों को वे देखा। इस दौरान पुलिस ने उनको रोका और उनके पास से दो बोरी बरामद की गई है, जिसमें 512 दे आपको बता दें कि शीशी शराब की बरामद हुई है। इसके बाद भी पकड़े गए अभियुक्त पंकज यादव के घर में पुलिस ने 50-50 लीटर के 10 बता दें कि जरीकेन में शराब बरामद की है। साथ ही 32 शीशी पैक शराब बरामद की गई है और साथ ही 512 सफेद प्लास्टिक और 200 रैपर बरामद किए गए हैं। गाजीपुर की एक खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर अवैध शराब को लेकर प्रशासन लगातार सख्त नजर आ रही है और बता दें कि इस दौरान पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और साथ ही शराब बरामद किए गए हैं। बता दें कि इस दौरान आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है
और बता दें कि जिस तरीके से बिहार में अवैध शराब को लेकर मौतों का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ा था, उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट नजर आ रही है। डीजीपी के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान चलाया गया, जहां पर गाजीपुर पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब और साथ ही शराब बनाने वाले उपकरण को बरामद किया है। इस दौरान शाजियाबाद थाना पुलिस और साथ ही स्वाट टीम ने यह बरामद किया है। शाजियाबाद थाना क्षेत्र पुलिस और साथ ही स्वाट टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग गुरैनी पुलिया के पास अवैध शराब की सप्लाई करने वाले हैं, जिस पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान दो बाइक को आते हुए देखा गया और साथ ही इस दौरान उनको रोका गया, जिसके बाद से दो बोरी शराब की बरामद की गई है और इस दौरान बता दें कि 512 शीशी शराब बरामद हुई है। अभियुक्तों को भी पकड़ा गया है, अभियुक्तों से लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पंकज यादव के घर से पुलिस ने 50-50 लीटर के 10 जरीकेन की में शराब बरामद किए हैं, साथ ही 32 शीशी पैक बरामद की गई है और साथ ही बता दें कि 512 सफ़ेद प्लास्टिक और 200 रैपर भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि गाजीपुर पुलिस लगातार ये अभियान चलाती हुई नजर आई है और इस दौरान पुलिस ने शराब का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है, साथ ही अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है और इस पर लगातार पुलिस अब बता दें कि सख्त नजर आ रही है और पुलिस ने ये चेकिंग अभियान चलाया, इसके बाद से आरोपी को गिरफ्तार किया है। और बता दें कि जिस तरीके से बिहार में जहरीले शराब से जो मौत का आंकड़ा बढ़ा था, इसके बाद से अब उत्तर प्रदेश की सरकार और साथ ही उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो भी सतर्क नजर आ रही है और गाजीपुर में लगातार ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान पुलिस ने अभियान चलाते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। और साथ ही आप तस्वीर में देखिए किस तरीके से कितनी ज़्यादा मात्रा में शराब बरामद की गई है और इस दौरान बता दें कि आरोपी से लगातार पुलिस पूछताछ की जा रही है कि और शराब के और क्या कुछ मिल सकता है और कहां कहां इसके तार बिछे होने की संभावना बताई जा रही है। शाजियाबाद पुलिस लगभग गाजीपुर और हमारी जो स्वाट टीम है और खानपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। डीजीपी महोदय के निर्देश पर 17 तारीख से एक अभियान चल रहा है अब मिश्रित शराब, जहरीली शराब और शराब तस्करी की रोकथाम के लिए और इस पर प्रभावी कार्रवाई के लिए। इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे जनपद में चेकिंग चल रही है लगातार, यद्यपि सभी थाने इसमें कार्रवाई में लगे हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में ऐसे सभी अपराधियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो पूर्व में इस तरह की घटनाओं में संलिप्त पाए गए हैं। तो इसी क्रम में कल शाजियाबाद क्षेत्र के बरईपुरा के पास कल हमारी टीम को एक सफलता प्राप्त हुई है। इन्हें द्वारा मुखबिर ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग दो मोटरसाइकिलों पर अवैध शराब को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर इन्हें पकड़ा गया तो इनके पास से कुछ रैपर्स और ढक्कन और बनी हुई शराब प्राप्त हुई। जब पूछताछ करी तो इन्होंने उस ठिकाने का भी नाम बताया जहाँ पे ये इसका निर्माण कर रहे थे अपमिश्रित शराब का। वहाँ पे जाके देखा गया तो भारी मात्रा में वहाँ खाली बोतल, रैपर्स और किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन वर्मा और साथ ही पश्चिम प्रदेश मुक्त मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के द्वारा नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारी किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा और साथ ही बता दें कि पश्चिम प्रदेश मुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के एक कृषि प्रधान प्रदेश है और प्रदेश में अन्नदाता किसानों की समस्या हल होने तक भारतीय किसान यूनियन वर्मा का संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही बीजेपी के प्रदेश और साथ ही केंद्र सरकार के किसान विरोधी कार्य कर रही है और ये लगातार आरोप लगाए गए हैं। साथ ही ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक मालिक और साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित नीरज कपिल, प्रदेश महामंत्री आसिम मालिक सहित तमाम लोग वहां मौजूद रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को कम से कम 600 रुपए क्विंटल मिलना चाहिए। अभी भी पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान किसानों का बकाया है और इस बार भी जो है किसानों को गन्ने का भुगतान समय से नहीं हो पा रहा है और पिछले वर्षों में
जो देरी से गन्ना भुगतान किया गया है, ऐसा उत्तर प्रदेश के 120 चीनी मिलों पर 12,000 करोड़ रुपए ब्याज बका है। और साथ साथ मनरेगा योजना को खेती से जोड़ा जाए, किसानों को कृषि कार्य हेतु निःशुल्क बिजली दिलाई जाए। चले आगे बढ़ते हैं। यूपी के पीलीभीत जनपद की बिलासपुर तहसील इलाके में ग्राम पंचायत खांडेपुर के, बता दें कि रमपुरा रणा गांव में 12,631 हेक्टर सरकारी भूमि है, जो कि खरसरा संख्या में 369 के दर्ज भूमि श्रेणी में 6A की बताई जा रही है, जिस पर गांव के कई भूमाफियाओं ने अपना अवैध कब्जा कर गन्ना धान की फसल की जा रही है। और साथ ही इसके अलावा कई, आपको बता दें कि पेड़ भी लगाए गए हैं। इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी प्रवीण कुमार साक्षकार से की गई है। वहीं शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने बिसलपुर SDM को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि SDM बिसलपुर ऋषिकांत राजवंशी द्वारा एक टीम गठित कर गांव भेजा गया, और साथ ही टीम में हल्का लेखपाल सतीश राणा, नायब तहसीलदार आदि लोग मौके पर पहुंचे और आज जमीन की नपत कर रिपोर्ट SDM को सौंपी गई। साथ ही वही बता दें कि ग्रामीणों ने हल्का लेखपाल सतीश राणा पर साठगांठ करने का आरोप लगाया है। वहीं जिला प्रशासन कई एकड़ सरकारी भूमि को अवैध कब्जेदारों से कब्जा मुक्त कराने की बात कर रहा है। हाँ, ये गांव रमपुरा रना है, बिसलपुर तहसील का। तो यहाँ पर एक गाटा नंबर है जो देवहा नदी के किनारे है, और वो नदी के नाम से ही दर्ज भी है। 369 नंबर गाटा है, 12 हेक्टेयर के करीब। तो वो चूँकि नदी किनारे है, तो उस पर जो गांव के लोग हैं या जो गांव के दूसरी साइड के लोग भी हैं, ये लोग अवैध रूप से कब्जा करके उस पर फसलें बोल लेते रहे हैं। ये जानकारी में आया था तो लेखपाल से रिपोर्ट ली गई थी। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर उसमें राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई कर दी गई थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने माना नहीं। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय के पास भी शिकायत पहुंची थी। उन्होंने तहसीलदार बिसलपुर को बुला के इस बारे में कुछ निर्देश दिए थे। उसके क्रम में तहसीलदार बिसलपुर द्वारा कल भी नाप की गई है और आज भी नाप की गई है, और अगर बचा होगा रकबा तो कल भी नाप की जाएगी। और नाप करके ये देखा जा रहा है कि उस गाटा नंबर के कितना एरिया पर किस काश्तकार ने फसल बोके अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। वो नदी की ज़मीन का विवाद है, जिसमें लेखपाल, हल्का लेखपाल सतीश राणा उस विवाद को बढ़ा रहा है। जिसकी 40 बीघा है उसकी जुर्माने में 12 बीघा लिख रहा है, और जिसकी 2 बीघा है उसकी 20 बीघा लिख रहा है। इसलिए वो विवाद पूरा फैलाए रहा है। और कोई भी बात हम कहते हैं ग्राम प्रधान खांडेपुर, मैं कोई भी बात लेखपाल साहब को फ़ोन करते हैं तो वो तुरंत वादी को बता देते हैं, इसीलिए वो ज़मीन खाली नहीं हो रहा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार ढांचागत लिए जोर आजमाइश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिले के अधिकारी कर्मचारियों पर केंद्र और प्रदेश सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आ रही है। साथ ही बता दें कि जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए विगत 3 सालों से कुल 39 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाए जा रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिले के रिमोट इलाके में आम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएगी, लेकिन इसके निर्माण में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है। तकरीबन 17,50,000 रुपए की लागत से बनाए जा रहे यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। यहां पर न केवल मानक विहीन निर्माण करवाया जा रहा है, बल्कि घटिया सामग्री से केंद्र बने होने के कारण यहाँ पर कोई भी अनहोनी होने की आशंका ग्रामीण द्वारा जताई जा रही है। वहीं बघेल खंड के ग्रामीण बताते हैं कि यहां पर लगातार मानकों की अनदेखी करते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। लाल मोड़ ना लगाकर बता दें कि सफेद बालू का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही
अव्वल ईंट की जगह पीली ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह निर्माण जैसे तैसे पूरा करवाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे बच्चों का इलाज होना है, हमारे गांव की गर्भवती महिलाओं का इलाज होना है, इसलिए हम लोगों ने कई बार विरोध किया है, ये ग्रामीणों का लगातार कहना है। साथ ही ग्रामीणों का ये भी कहना है कि शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन उच्च अधिकारी द्वारा कोई सुनवाई अब तक नहीं की गई है। इसमें जो है न्यूज़ मिली थी अभी एक हफ्ते पहले, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के जो जेई हैं और जिला स्तरीय अधिकारी को लगा के चेक कराया जा रहा है। एक दो जगह जो है गड़बड़ी की शिकायत आई थी, जिसमें कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है कि पीली ईटी हटा के जो है अच्छी गुणवत्ता वाली ईटी फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज करें और आगे जो है मानक के अनुसार जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे। जांच में कोई अगर गड़बड़ी मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी लोगों के ऊपर? बिल्कुल, अगर वो जो है गुणवत्ता से खिलवाड़ कर रहे हैं तो जो लीगल प्रोसीजर है उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। ये स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है जबकि इसका जो ईंट की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, बालू की जो क्वालिटी वो भी अच्छी नहीं है। इसमें जो सीमेंट मिलाया जा रहा है उसमें एक 13:1 का बनाया जा रहा है, हाँ यानी 13 मिट्टी में बालू रहेगा, छरी मिला के 13:1 पेड़ डालते हैं, सीमेंट डालते हैं। इसमें बालू की बहुत ज्यादा कमी है, बालू की जगह मिट्टी लगाया जा रहा है। अभी आप देख लीजिए, चेक करवा लीजिए, ईटा बिल्कुल पीला लग रहा है सर। ईटा जो लगना चाहिए वो ईटा नहीं लगा है, जो बालू लगना चाहिए वो बालू नहीं लग रहा है। इस काम ये काम जब चालू हुआ मैंने इस काम को रुकवाया। बांदा में जैन समाज ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर बता दें कि ज्ञापन सौंपा है और साथ ही बांदा जैन समाज ने इस दौरान ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने संवेद शीघ्रजी को जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र और साथ ही झारखंड राज्य में स्थित है। हमारे इस परम पवित्र तीर्थ को केंद्र सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। जैन समाज ने इसका पुनः जोर विरोध किया है और साथ ही कहा है कि इससे हमारी धार्मिक अत्याधिमिक भावनाएं आहत हुई है। वही संवेद शिखर जी जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है जहां पर हमारी आस्था श्रद्धा जुड़ी हुई है। यहां पर हम पैदल नंगे पैर चलकर और तीर्थ की पवित्रता स्वच्छता बनाए रखते हैं और साथ ही परिक्रमा पर पूजन अर्चना करते हैं और साथ ही ऐसा तीर्थ है जहां पर जैन धर्म में 24 तीर्थकरों में से 20 तीर्थकरों ने निर्वाण प्राप्त किया है और साथ ही मोक्ष पाए हैं। ऐसे में अगर इस तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया तो यहाँ की पवित्रता खत्म हो जाएगी, साथ ही यहाँ पर नाना प्रकार के कृत्य होने लगेंगे। इसका लेकर जैन समाज ने लगातार विरोध जताया है। बता दें कि बांदा की ये तस्वीर है जहाँ पर लगातार जैन समाज जो है विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही तमाम तरीके की मांग की गई है। बता दें कि इसकी लगातार सबसे बड़ी मांग यही रही है कि जिस तरीके से इनकी जो तीर्थ प्लेस है और उसको लगातार ये उनका कहना है कि उनकी पवित्रता खत्म हो जाएगी अगर उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। बता दें कि लगातार इसको लेकर जैन समाज ने नाराजगी व्यक्त की है और इस दौरान जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। तीर्थ क्षेत्र सम्मेश जी में सरकार ने पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। जैनों का उधर पर पूर्ण रूप से वर्चस्व है, जैन समाज के अनेक मुनि 24 तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त हुए हैं। तपोभूमि है उसको तपोभूमि ही और दर्शनीय स्थल न बना के तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए। तीर्थ स्थल सम्मेश शिखर जी मांग हमारी गवर्नमेंट। यूपी के फतेहपुर से अयोध्या के लिए चालू रोडवेज बस सेवा के परिवहन विभाग ने बंद कर दिया है, जिसे यात्रियों को आपको बता दें कि रामलला के दर्शन करने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस सेवा बंद करने से नाराज गंगा बचाओ सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बता दें कि डीएम को ज्ञापन देकर बस सेवा चालू कराने की मांग की गई है। फतेहपुर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर परिसर में पहुंचे नमामि गंगे गंगा बचाओ सेवा समिति ने प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र शरण सिंपल के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन देकर अयोध्या के लिए बंद रोडवेज बस सेवा को चालू कराने की मांग की है। डीएम को ज्ञापन देने के बाद से समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र शरण सिंपल ने बताया है कि 15 अगस्त को बीजेपी आया शाह
विधायक विकास गुप्ता ने अयोध्या के लिए बस सेवा को लेकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जिसको परिवहन विभाग ने एक महीने पहले ही बंद कर दिया है। इससे श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि अयोध्या के लिए फतेहपुर से सीधे बस सेवा होने से श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, जिससे जिले से रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाते थे, जिससे परिवहन विभाग का राजस्व भी मिल रहा था। डीएम ने ज्ञापन के माध्यम से बस सेवा चालू कराने की लगातार मांग की गई है। आज हम लोग अपने पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी से अयोध्या के लिए रोडवेज परिवहन निगम से बस संचालित कराने हेतु एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने पहले अयोध्या के लिए बस संचालित करवाई थी, जिसको बिना कारण बताए रोडवेज द्वारा बंद कर दी गई है, जिसका पुनः संचालन के हेतु अयोध्या के लिए एक ज्ञापन के माध्यम से डीएम से निवेदन किया, जिन्होंने कहा है कि इसको पुनः हम बात करके संचालित करवाएंगे, जिससे आम जनमानस और राम भक्त अयोध्या जा सके। क्या नाम है आपका? मैं गंगा बचाव सेवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सरन सिंपल और उसके साथ अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद, नमामि गंगे एवं गायत्री परिवार के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन प्रेषित किया। अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर बता दें कि हत्या के मामले से सनसनी फैल गई है इलाके में। बताया जा रहा है कि एक्स आर्मी मैन ने अपनी पत्नी और साथी चंदन को गोली मारकर मौत के घाट उतारा है। वहीं मौके पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मामले की जांच में जुट गई है। वही ये मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के भोले आपको बता दें कि शिशवाजी कॉलोनी का बताया जा रहा है। हरदोई के मंगोलापुर समेत कई अन्य गन्ना खरीद सेंटरों में कई दिनों से गन्ना खरीद बंद होने से के कारण किसान परेशान है। किसानों ने गन्ना तौल कराने के लिए सर्द मौसम में कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में क्रय केंद्र में किसानों की गन्ना लदी दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी हुई नजर आ रही है। वही जिसे किसान ने गन्ना अधिकारियों के पास पहुंचे हैं और समस्या निस्तारण की मांग की है। किसानों ने यहाँ अभद्रता किए जाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही जिला गन्ना अधिकारियों के पास पहुंचकर किसान जनों ने बताया है कि गन्ना केंद्र पर काफी समय से तौल नहीं हो रही है, जिससे गन्ना बचाना पड़ रहा है और साथ ही सर्दी का मौसम है, क्रय केंद्र के अलावा आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं है और साथ ही कई दिन से गन्ना तौल कराने की समय लग रहा है, जिससे किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अभी हमारे पास कुछ किसान आए थे मंगोलापुर सेंटर से और कुछ एक दो सेंटर से और भी आए थे, जैसे बाबन चुंगी वगैरह से। तो उनकी ये समस्या है कि उनके सेंटर पे पर्चियां नहीं जा रही, जिस कारण सेंटर पे तौल कार्य प्रभावित हैं। तो मैं आपको इस संबंध में बता देना चाहूँ कि हमारे पास जो हरियाणा चीनी मिल है उसके लगभग 15 सेंटर ऐसे हैं जो चीनी मिल के छठे पक्ष, 3 सेंटर उसमें ऐसे हैं जो कि छठे के 15 में चले गए, खटेली मजिया ए और बावन चुंगी, बाकी छठे के 10वें या 7वें या फिर ऐसे ही चल रहे हैं। तो उसमें सेंटर का दिक्कत ये है कि वहाँ पे जो बॉन्डिंग है, सट्टा जैसे हम कहते हैं, जैसे अगर हम मंगोलापुर की बात करें तो वहाँ जो है 22,455 की कुल सट्टा था। क्या आप आए हैं और क्या आपकी मांग है और किसको शिकायत करने आए? हम सारे किसान ग्राम मंगोलापुर सेंटर से आए हैं, हरियाणा चीनी मिल। हम लोगों की समस्या है कि हम लोगों के सेंटर पे पर्चियां नहीं जा रही हैं।
हरदोई के पेहानी स्थित राजकीय महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी से जूझ रही है। ऐसे में परेशान छात्र छात्राओं ने जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और अपनी समस्याओं का जिला परिवहन प्रशासन को अवगत कराया है। और साथ ही छात्र छात्राओं का कहना है कि अगर शिक्षकों की कमी पूरी नहीं की जा रही है तो वो लोग परीक्षा छोड़ने पर विवश होंगे। शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सरकारें तमाम तरह की प्रयास कर रही है, बावजूद इसके शिक्षा क्षेत्रों में कोई भी बेहतर सुविधा सुधार होते हुए नजर नहीं आ रहा है। वही केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए का प्रचार प्रसार कर विज्ञापनों पर पानी की तरह खर्च कर रही है। साथ ही इससे बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। हरदोई जनपद के बता दें कि पेहानी स्थित राजकीय महाविद्यालय में इस समय कई विषयों पर शिक्षकों की कमी बताई जा रही है और इसको लेकर लगातार छात्र परेशान बताए जा रहे हैं। सर, हमारे कॉलेज में सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के कोई टीचर नहीं है। सर नेक्स्ट मंथ हमारा एग्जाम भी होने हैं सर, हम लोगों को पढ़ने में सर बहुत प्रॉब्लम होती है सर अभी तक प्रिपरेशन ही नहीं हो पाई है सर। नेक्स्ट मंथ एग्जाम है तो हम लोग एग्जाम कैसे देंगे सर? लैब भी नहीं करवाई जाती है सर, प्रैक्टिकल भी होने हैं तो लैब भी हम लोग नहीं कर पाते सर। वहाँ पे लाइब्रेरी है लेकिन बुकें जो उसमें है हम लोग का सिलेबस मैच नहीं होता, क्योंकि हम लोग की यूनिवर्सिटी चेंज हो चुकी है। यहाँ किसके पास आएंगे सर? डीएम के पास हम लोग सर गए थे, माननीय सर शिक्षा मंत्री अजीत तिवारी सर उनके पास भी हम लोग जा चुके हैं सर, और सर जिला कार्यालय जो है सर वहाँ भी जाए। कब से समस्या बनी हुई है सर? हम लोग का सर एक सेमेस्टर कम्प्लीट हुआ था कि सर हमारे टीचर थे तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन जब ट्रांसफर सर हुआ था हम लोग टीचर के पास सर गए हुए थे, प्रिंसिपल वहाँ के थे सर उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर आ जाएंगे, लेकिन हम लोग का जो सेकेंड सेमेस्टर था वो भी हो गया लेकिन टीचर अभी तक नहीं आए हुए हैं सर। थर्ड सेमेस्टर भी आने वाला है तो हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम तो उसमें भी थी लेकिन उसमें मैनेज होने लगी सर। अभी भी सर हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हुई सर, सोल्यूशन नहीं हुआ था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।